अभी देखें ये वाली सऊदी मॉस्क है, यहाँ से जितने भी शारजा में रहने वाले लोग हैं वो उमरा के लिए जाते हैं। और हम लोग तकरीबन 7 बजे आए थे, तो उस साइड पे पीछे काफ़ी ज़्यादा रश था इसकी बिल्कुल ऑपोजिट पे। और अभी हमारी बस भी आ गई है, ये वाइट वाली हमारी बस है और इंशाल्लाह हम लोग 10 मिनट तक निकलेंगे। हम लोग 7 बजे आए थे, काफ़ी रश था, लेकिन हमारी बस 8:20 पर आई है, तो मुझे लगता है अभी 10 से 15 मिनट में हम लोग निकलेंगे और इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर हम लोग मक्का में पहुँच जाएंगे। ये देखिए हम लोग सुबह से निकले हुए थे और मैं रात को बिल्कुल भी नहीं सोया था, मैं सो गया था। अभी मुझे लगता है कि हम लोग सऊदीया के बॉर्डर तक तो आ ही गए हैं, अबू धाबी का जो बॉर्डर है ना सऊदी के साथ, हम लोग वहाँ तक आ गए। और अभी हमारे ड्राइवर ने बस यहाँ पे रोकी है, देखिए हमारी बस यहाँ पे रुकी हुई है, और वो कह रहा था कि यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ लो असर की और जोहर की एक साथ, तो फिर हम लोग इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे। ये सामने मुझे लगता है बॉर्डर है पूरा, अभी सिर्फ हमारी बस है, ये बाकी बसेस भी आएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा हम लोग अभी यहाँ पे सऊदीया के बॉर्डर पे बिल्कुल आ गए, और पहले हम लोगों ने वहाँ यूएई के बॉर्डर पे आउट मतलब इन आउट होता है ना, आउट की हम लोग ने स्टैंप मारी, और उसके बाद फिर हम लोग अभी यहाँ पे सऊदीया के बॉर्डर पे बिल्कुल मतलब हम लोग सऊदीया एंटर हो चुके हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बसेस खड़ी हुई हैं, और ये देखें तकरीबन यहाँ पे 50 के करीब बसेस खड़ी हुई हैं, और हमारी बस जो है ना वो यहाँ पे करके कहीं खड़ी है, यहाँ पे। तो देखिए आप कितनी ज़्यादा बसेस हैं उसके आगे, मुझे लगता है कि 25 से 26 बसें हमारी बस के आगे भी हैं। तो हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली है, इशा की नमाज़ भी पढ़ ली है, और बस हम लोग अभी वेट कर रहे हैं कि कब ये रश ख़त्म होगा और कब हम लोग यहाँ से इमिग्रेशन करवा के आगे जाएंगे। मतलब हम लोगों ने यूएई के बॉर्डर पे आउट की स्टैंप मारी थी ना, उसके बाद हम लोग यहाँ सऊदीया के बॉर्डर पे हम लोग इन की स्टैंप मारेंगे, तो उसके बाद फिर हमारे चेक इन वगैरह होगा, बैग चेकिंग होगी, और उसके बाद फिर हम लोग ऑफिशियली सऊदीया के अंदर एंटर हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये सऊदीया का बॉर्डर है, यहाँ पे देखें गाड़ियाँ भी आ रही हैं, मतलब अभी इन्होंने गाड़ियों वाला सिस्टम भी खोल दिया ना, अपनी गाड़ियों पे भी आ सकते हो आप लोग वीज़ा लेके, उम्रे का वीज़ा ना भी लिया हो तो भी आप आ सकते हैं। ये देखें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बसेस खड़ी हैं, ये यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये चेक इन का एरिया है, इमिग्रेशन का, सॉरी चेक इन इमिग्रेशन का, और उसके बाद जो आगे वाला एरिया ना ये वाला बैग चेकिंग वगैरह का एरिया है। तो अगर आपको याद हो पिछले साल जब हम लोग आए थे तब यहाँ पे तकरीबन 11 से 12 घंटे लग गए थे, तो और अभी भी बॉर्डर के ऊपर हम लोग को तकरीबन मुझे लगता है 2-2.5 घंटे तो हो ही गए, देखते हैं कितना टाइम लगता है, और अल्लाह करे ज़्यादा टाइम ना लगे और हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ से फारिंग होकर तो आगे सऊदीया में एंटर हो जाए। साथ साथ मैं वीडियो बनाता रहूँगा थोड़ी थोड़ी, और मैं आपको दिखाता रहूँगा कि क्या अपडेट है और हम लोग कहाँ तक पहुँचे। तो तब तक आपने बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो ख़त्म नहीं हो रही, ओके, तो मैं आपसे मिलता हूँ कुछ टाइम के बाद। हम लोग स्टिल अभी तक बॉर्डर पे हैं, और मैंने जो लास्ट आपसे बात की थी वो तकरीबन 7 बजे की थी, 7:30 बजे, और अभी 8:45 होने वाले हैं। आपको टाइम दिखाता हूँ, ये देखें 8:30 हो गए, 8:45 होने वाले, और हमारी इम्प्रूवमेंट ये है कि हम लोगों ने ये वाली जितनी भी बसेज हैं ना ये वाली ये सारी क्रॉस कर ली हैं, और ये ऑरेंज बस के साथ वाली बस हमारी है, तो हमारे आगे बस कुछ बसेज और रह गई हैं आप देख सकते हैं, और अल्लाह करे ये जल्दी से सारा काम हो जाए। तो हम लोग का इमिग्रेशन पे जो इमिग्रेशन में टाइम लगता ही लगता है, जो चेक इन पे टाइम है वो ज़्यादा ना लगे, तो और बसेज रह गई हैं देखिए आप, ज़्यादा बसेज़ नहीं है, ज़्यादातर बसें जा रही हैं, और इस दफ़ा इन्होंने गाड़ियाँ भी खोली हैं ना, तो इस वजह से गाड़ियों का भी रश काफ़ी लगा हुआ है। अभी देखिए हम लोग का इमिग्रेशन का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, हमारी बस गई हुई है, जितने भी लोग हैं देखिए
सारे पासपोर्ट पे स्टैंप लगवाने गए हुए हैं और मेरी शुक्र है पासपोर्ट पे स्टैंप लगी है। देखें तो मेरा पासपोर्ट वीज़ा और इस पर स्टैंप लगी। बाकी जितनी भी बस है वो अभी अंदर ही है। देखें तो अगर बस दिखाऊँ, ये बस ये देखें, ये हमारी सीट है यहाँ पे ना, और बिल्कुल सामने यहाँ पे मेरी मम्मी भी। ये पूरी बस, और हम लोग को भी देखे निकले हुए कितना टाइम हो गया। हम लोग पूरे 17.5 घंटे पहले घर से निकले थे और बॉर्डर पे हम लोग को 8.5 घंटे बॉर्डर पे हो गए। ये मताम अल बुखारी रेस्टोरेंट है और यहाँ से हमने ये वाली जो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये मंदी खाई है और अभी बस हम लोग इंशाल्लाह निकलेंगे। ये हमारी बस है। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं कि हमारे साथ जा कौन कौन रहा था। हमारे साथ मैं, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू और मेरी साथ खाला और उनके हस्बैंड और उनकी एक बेटी। ये हम लोग 6 लोग जा रहे हैं और अभी मैं आपको मिलवाता हूँ अपने अंकल और अपने अब्बू से, तो उसके बाद बस हम लोग निकलेंगे। चाय हम लोगों ने ऑर्डर की हुई है तो चाय पी के हम लोग इंशाल्लाह फिर निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह के घर जा रहे हैं और बहुत मज़ा आया है सफ़र का, और खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, अल्लाह के करते हैं माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अभी देखिए मैं यहाँ पे वॉशरूम में आया था और यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह बनी हुई है और थोड़ा मुँह हाथ धोना था। यहाँ पे पीछे वो देखें, सामने मार्केट्स वगैरह बनी हुई हैं, यहाँ पे मस्जिद है नमाज़ पढ़ने के लिए, वो सामने वॉशरूम है। तो अभी बस हम लोग निकलते हैं यहाँ से और इस तरफ पूरा सुनसान एरिया और यहाँ पे कुछ ट्रक्स वगैरह खड़े हैं। बस हम लोग अभी यहाँ से निकलते हैं और इंशाल्लाह पहुँचेंगे। अभी मुझे नहीं लगता कि वो कहीं पे भी रोकेगा या कहीं पे भी और मतलब स्टे करेगा। शायद नमाज़ के लिए रुके, फजर की नमाज़ के लिए, जोहर की नमाज़ के लिए। हो सकता है कि जोहर की नमाज़ हम लोग वहीं पे जाके पढ़ें। वो सामने बसेस बिल्कुल रेडी हैं निकलने के लिए। मुझे नहीं पता कि अब हमारी बस रेडी है, मुझे देर हो गई है या क्या हुआ है, मैं जाके देखता हूँ, नहीं तो वो फुल गुस्सा करेगा। और अभी इस वक्त जो यहाँ पे टाइम हो रहा है ना, वो तकरीबन पूरे 3 बज रहे हैं। बसेस बिल्कुल रेडी हैं, इसके पीछे हैं, ये देखेंगे टाइम पूरे 3 बज रहे हैं और मुझे लगता है कि मुझे देर हो गई। मैं आपसे मिलता हूँ अगर हम लोग अभी अगली जगह पे कहीं रुकेंगे। चलें, अभी मैं बस के अंदर जा रहा हूँ। अभी ये देखें, यहाँ पे ना कोई स्ट्रीट लाइट है और कोई लाइट नहीं यहाँ पे सिवाय बस की लाइट के, और कोई भी आसपास बस भी नहीं नज़र आ रही। यहाँ पे सिर्फ हमारी बस जा रही है और ये 2 अरबी ड्राइवर बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। अभी ये लगातार मुझे लगता है 12 घंटे की मुसलसल ड्राइव करेंगे और इंशाल्लाह रास्ते में जाते जाते ही सुबह हो जाएगी और हम लोग फिर मक्का में पहुँच जाएंगे। सारी रात हम लोग बस में ही थे, मैंने आपको दिखाया भी था, और अभी सुबह हो गई है। हम लोग को मस्जिद नहीं मिल रही थी क्योंकि मस्जिद रास्ते में कहीं थी नहीं, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे फजर की नमाज़ पढ़ी है और हम लोग वहाँ मताम अल बुखारी से निकले थे 2:30 बजे और अभी यहाँ पे 7:15 हो रहे हैं, तो तकरीबन कोई 4 से 5 घंटे लगे हैं हम लोग को यहाँ पे आते हुए। और अभी भी लेकिन हम लोग रियाज के पास हैं मक्का, क्योंकि अभी भी यहाँ से तकरीबन 1150-1150 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे सारे नमाज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पे औरतों के लिए, और यहाँ पे वो मुझे अबू बुला भी रहे हैं कि बस वाला बुला रहा है। तो यहाँ पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे तकरीबन कोई होगा 12 से 13 डिग्री सेल्सियस होगा,
बस हम लोग अभी यहाँ से चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे सारे वॉशरूम है और मस्जिद है, वहाँ पीछे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और ये पेट्रोल पंप है। वो सामने हमारी बस खड़ी है जहाँ पे वो डीजल फुल करवा रही है। और जैसा मैंने आपसे कहा था, वहाँ फजर की नमाज़ के वक्त हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। तकरीबन 2 से 3 घंटे हम लोग और सफ़र करेंगे बस का, उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया अभी वहाँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में। चले हम लोग अभी आगे चलते और तकरीबन यहाँ से मक्का का और कोई 8 से 10 घंटे और लगेंगे, हम लोग शाम तक मक्का पहुँच जाएंगे। अभी देखिए टाइम हो रहा है 10:10। हम लोग शाम तक इंशाल्लाह मक्का पहुँच जाएंगे, तो फिर मैं आपको मक्का पहुँच के मिलता हूँ। और ये जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, ये वाला है, बताऊँ पाकिस्तानी मतलब बरकात शुक्र। यहाँ से हम लोगों ने नान चनों का नाश्ता किया और अभी हम लोग निकलते हैं। वो सामने पापा और अंकल खड़े हैं, तो आपसे मिलूँगा मक्का में इंशाल्लाह, अगर हम लोग आज शाम तक पहुँच गए हैं मीकात पे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही होगी, लेकिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मीकात पे पहुंच गए हैं। मैंने आपको आगे भी दिखाया मीकात, और अहराम वगैरह बांध लिए, उम्र की नियत कर ली है। और अभी यहाँ से 1 घंटे का और सफ़र है मीकात से मक्का का, 70 किलोमीटर्स और है। ये हमारे पीछे बस खड़ी हुई है, तो जी भाई जी नहीं नहीं क्या हुआ? मैंने ले लिया, बुक ले लिया, ऑलरेडी ले लिया। तो उसके बाद फिर हम लोग, अभी जितने भी लोग हैं ना वो भी अहराम बांध के आ रहे हैं, जैसे ही वो अहराम अपना बांध के आ जाते हैं तो हम अपनी बस में बैठेंगे और इंशाल्लाह फिर हम लोग मक्का की तरफ जाएंगे तलबिया करते हुए, और जाके फिर हम लोग उमरा करेंगे इंशाल्लाह। तो उमरे की वीडियो मैं अभी नहीं बनाऊँगा, इंशाल्लाह मैं आज उमरा करूँगा, तो मैं कल अपनी वीडियो जब मैं जाऊँगा दोबारा हरम में, तो मैं वीडियो आगे जो आप देखेंगे ना वो मैं कल बनाऊँगा, आज नहीं बनाऊँगा। अभी मैं यहाँ पर ये वाली यहाँ पर ख़त्म करता हूँ वीडियो, तो आप लोग बहुत सारा ख्याल रखें। वो देखें सामने अंकल और बाबा भी खड़े हैं। हाँ जी एहराम की नियत कर ली आपने? चल जी आपने भी कर ली, आपका पहली दफा है ना? फर्स्ट टाइम। हमारा दूसरी दफा जी भाई के साथ आया। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम लोग चलते हैं और बाकी वीडियो में इंशाल्लाह कल बनाऊंगा, और फिर मैं इसको जब टाइम मिलेगा तब मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को पूरा देखिएगा। ये देखिए मीकात, ये सारे हमाम बने हुए हैं, हमाम उन्निसा और हमाम उर्रिजाल, और यहाँ पे बसेस वगैरह काफ़ी सारे। अभी इतना रश नहीं है क्योंकि अभी आई नहीं है बसेस, कुछ कुछ बसें यहाँ पे हराम के लिए शॉप्स भी हैं, सब कुछ है। चलिए आप अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूँगा जब मैं मक्का में वीडियो बना के अपलोड करूँगा। अल्लाह हाफिज़। ये सामने देखिए, अभी ये जो दो मीनार हैं इनके बिल्कुल नीचे बाब फहद है, और यहाँ से हम लोगों ने मताफ के लिए अंदर एंटर होना है। रश देखिए आप कितना ज़्यादा हो गया। अभी फजर की नमाज में आधा घंटा है, हवा फुल हवा।
पापा जी मेरे राइट साइड पे हैं, मेरे राइट साइड पे हैं, आगे रहे, आगे आगे आगे। पहले हमें भी ना जाने दे, हम जल्दी से चल जाते हैं। आ जाए आ जाए।